बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाब या कनस्ताइन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरत से होंगी। आज केलगिरी का मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है और समर तकरीबन आ चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारा घर में छोटा सा दावत भी है, ईद का दावत है, ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखे बाहर की तरफ बच्चे लगे हैं, खेलते हैं, ये देखे माशाल्लाह। ये देखे अभी चिकन टिक्का भी तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह तकरीबन तैयार होने वाला है। ये देखे और ये दलीम का देग भी तैयार हो चुके हैं, ये नारी का देग भी तैयार हो चुके हैं, ये भी पुलाव है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए अभी तैयारी तकरीबन हो गई, मेहमान भी आ चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। आप लोग खुद गेस करें कि क्या क्या चीज़ें बनाए हैं। ये देखें सलाद है, भिंडी है, नारी है, दो किस्म के पुलाव है, एक किस्म सादा पुलाव है और एक जो है ना बीफ पुलाव है, और चिकन विंग्स है, चिकन टिक्का है माशाल्लाह। ये देखें ये दो किस्म के नान भी है। ये देखें आप लोग खुद गेस करें कि क्या क्या चीज़ें हैं। और एक ज़बरदस्त दवा भी बताती हूँ अल्लाह के नाम की, या लतीफ़ या अल्लाह, यानी ईशा के बाद 16,641 बार पढ़े और फिर दुआ करें, ये एक दिन का ये दवा है। और फिर दूसरा यानी अरोज़ 133 बार जो है ना सजदी में पढ़े, नमाज के बाद ईशा के बाद, जिससे टाइम भी पढ़ सकते हैं, आप मर्जी है पढ़ सकते हैं रोज़, यानी सजदी में 133 बार पढ़े और दुआ करें। और हर हजत के लिए, रज़े की बरकत के लिए, हर हजत के लिए माशाल्लाह, ये जुनेद भाई का वजीफ़ा है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देवे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने अमान में रखे, अल्लाह सबको नमाज के पाबंद बना दे। और अगर पसंद आए लाइक करें और सब सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।